बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी विद शर्मा। आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ गुलाब जामुन। तो ये गुलाब जामुन घर में कैसे बनाते हैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम लोग तो बाहर से तो गुलाब जामुन लेके आते हैं, लेकिन घर में किस तरह से बनाएंगे वो आप लोगों को दिखाऊँगी, फिर चलिए आप लोग देखेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं यहाँ मैंने 1 कप चीनी लिया है, सूजी लिया है 1 कप, इसको रावा भी बोलती है, और मिल्क लिया है 1 कप, मैदा लिया है 1 कप, रोज़ वाटर 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, और 6 इलायची लिया है। अब मैं यहाँ पहले रावा या सूजी को ग्रेट करूँगी। उसके लिए मिक्सी बोल ले लिया मैं, यहाँ पहले इसको ग्रेट कर लेंगे। और 3 इलायची इसमें तोड़ के इलायची दाना दे रही हूँ। तो ये जो इलायची का दाना है इसके अंदर भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए इसमें डायरेक्ट दे रही हूँ। तो अब इसको मैं ग्रेट करूँगी। तो ग्रेट कर लिया देख रही है। अब इसका ढक्कन खोल के जो मैदा लिया है वो भी डाल रही हूँ। इसको भी एक साथ मिला के एक बार मिक्सर को चलाएंगे। इस तरह से देखिए मेरा यहाँ हो गया। अब मैं यहाँ पहले चाशनी को रेडी करूँगी। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ एक पैन ले लिया, इसके अंदर जो 1 कप चीनी था वो चीनी ले लिया, और 1 कप पानी दे रही हूँ, और 1/2 कप पानी दूँगी। तो इसमें पूरा मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ 1 कप चीनी में चाशनी बनाने के लिए। इस तरह से चम्मच से थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ इलायची 3 ठो ले लिया, उसको तोड़ के दे दिया इसमें, और यहाँ मैंने रोज़ वाटर 1 चम्मच दिया, 1/2 रख दिया, और यहाँ मैं ऑरेंज फ्लेवर की फूड कलर ले रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आप दे सकते भी है और नहीं भी दे सकती है। और इसमें 1/2 चम्मच लेमन का रस डाल दिया या जूस डाल दिया। अब चम्मच से हिला के मैंने रेडी कर लिया है चाशनी को। अब इसको ढक्कन से ढक के रख देंगे। एरपर ओवने ते एकटा पैन बसिए दिएछि, ताते 2 चम्मच घी दिए दीची। तो घी जब इस तरह से गर्म हो जाएगी इसके अंदर डाल देंगे रावा को, डाल के हल्का हल्का भून लेंगे। तो ये सूजीटा के भालो करे भेजे नेब। सूजीटा जखन भाजा हो जाए अल्प अल्प करे ये दूध दिए भालो करे सूजीटा के माखिए नेब। ये तो देख रही है इस तरह से इसमें मैं 1.5 कप मिल्क मिला रही हूँ। तो पहले आप लोगों को दिखाया था 1 कप, तो यहाँ मैंने 1.5 कप मिल्क लिया है, और जो रोज़ वाटर था वो रोज़ वाटर भी इसमें डाल दिया हूँ। डाल के इस तरह से डो रेडी कर लिया, दिखाई दे रहे आप लोगों को। तो इस तरह से मेरा डो बन के रेडी हो गया था। तो जब थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं एक बर्तन में उसको डाल के इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबा दबा के इसको डो कर लेंगे। तो इटा के भालो करे माखाते हबे, ना भालो करे माखाना होले गुलाब जामुनटा भालो भावे तैरी हबे ना। तो ये भावे माखाते हबे। तो इस तरह से अच्छे से इसको रेडी करनी होगी, नहीं तो जो गुलाब जामुन बनाएंगे तब गुलाब जामुन अच्छे से नहीं होगा। तो यहाँ मैंने रेडी कर लिया डो को, दिखाई दे रहे आप लोगों को।
अब हाथों में थोड़ा सा घी इस तरह से मखाएंगे। मखाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा इस तरह से घुमा घुमा के गुलाब जामुन को रेडी कर लेंगे। तो देखते ही पाच्छेन कीभावे रेडी करे नेछी। तो आपनादेर आरेकटा देखिए दीची कीभावे रेडी करछी गोल्लागुलो गोलाप जामुने। इस तरह से बना लिया, देख रही है आप लोग। तो यहाँ मैंने सब बना लिया है, तो फिर भी आप लोगों को और एक तो दिखा रही हूँ किस तरह से इसको बनाने होता है। तो ज़ोर से दबाएंगे तो ये फट जाएगी, तो धीरे धीरे हाथों से इसको घुमा घुमा के बनाना पड़ेगी। तो यह मैंने रेडी कर लिया है, अब इसको तल लेंगे। उसके लिए ओवन में एक पैन बैठा दिया, उसके अंदर 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाल दिया। ऑयल जब गर्म हो गया तो इसमें गुलाब जामुन के पीस डाल दिया। अब इसको अच्छे से तल लेंगे। तो ये देखते पाच्छेन कीभावे भेजे निच्छे। एकटु समय समय करे ये हल्का हल्का करे एपाश उपाश करे उल्टे भाजते हबे। तो देखते ही पाच्छेन आस्ते आस्ते कलरटा कत सुंदर चेंज हो गेछे। तो इस तरह से आप लोग देख रही है इस तरह से मैंने गुलाब जामुन को ऑयल में भाज लिया हूँ। तो सामने से भी दिखा रही हूँ। अब चाशनी का अंदर गुलाब जामुन को डाल दिया, अब इसको ढक्कन से ढक देंगे और जो बाकी है उसको भी तल लेंगे इस तरह से। आगे जे भावे भेजे छिलाम सेई भावे आबार भेजे नेब सबगुलोके एकसाथे। तो जखनी गोलाप जामुनगुलो भाजबे तखन एकटु सावधाने भाजते हबे जाते ना फेटे जाए। तो देखते ही पाच्छेन एइभाबे आमी भेजे निच्छि। आजके रेसिपिटी भालो लागले अवश्यई लाइक शेयर कमेंट करते भूलबेन ना। बेल आइकन समेत आमार चैनलटी सबस्क्राइब करे आमार पाशे थाकबेन। बेल आइकनटी क्लिक करे थाकले आमार जे कोनो भिडियो आपलोड करि ना केनो सबार आगे नोटिफिकेशन आपनादेर काछे पौंछे जाबे। तो देखते ही पाच्छेन, तो आप लोग भी देख रहे हैं इस तरह से मैंने गुलाब जामुन को बना लिया। बना के अब चाशनी का अंदर डाल दिया हूँ। इसको एक घंटे इसी तरह ढक्कन से ढक के रख दूँगी। आप लोग ज़्यादा टाइम होगा तो 2 घंटा भी रख सकते हैं। अब एक प्लेट में गुलाब जामुन को साफ कर रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छा बनाया मैंने। अब एक तो आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से उसका अंदर गुलाब जामुन का अंदर किस तरह से बनाया है। तो एक तोड़ के आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरह से चम्मच से काट के। तो देखिए अंदर कितना अच्छा है। तो आप लोगों को थोड़ा सामने से दिखा रही हूँ कितना नरम हुआ है गुलाब जामुन। तो आप लोग भी इस तरह से गुलाब जामुन को घर में बना सकती है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। इस तरह से आप लोग भी एक बार घर में ज़रूर बनाएं गुलाब जामुन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।